आज आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स बाय शिवम कुमार। और मैं हूँ शिवम कुमार। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मेन सेशन का पार्ट है ये, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पेरीमीटर एंड एरिया का डेफिनेशन देखेंगे। तो अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर। ये हम लोग का मेन सेशन का पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ेंगे पेरीमीटर और एरिया का डेफिनेशन। तो शुरू करते हैं पेरीमीटर के डेफिनेशन से। पेरीमीटर क्या हुआ समझिए। द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। समझिए इसका डेफिनेशन क्या कहता है पेरीमीटर का। द पेरीमीटर ऑफ अ प्लेन फिगर इज द लेंथ ऑफ इट्स बाउंड्री। जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग का एक प्लेन फिगर है, ये रिक्टेंगल है, ठीक है, ए बी सी डी, ये रिक्टेंगल है। अगर इसका हम लोग को पेरीमीटर निकालना तो हम लोग क्या करेंगे, इसके पूरे बाउंड्री के लेंथ को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग निकल जाएगा पेरीमीटर। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो पेरीमीटर का यूनिट होता है वो वही यूनिट होता है जो गिवेन रहता है इसका लेंथ का मेजरमेंट। लिखिए द यूनिट ऑफ पेरीमीटर, द यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज सेम एज द यूनिट ऑफ लेंथ। पेरीमीटर का वही होता है यूनिट जो लेंथ का यूनिट होता है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं एरिया क्या होता है और एरिया का डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए एरिया द एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर इज द मेजर ऑफ द सरफेस इनक्लोज्ड बाय इट्स बाउंड्री। मान लीजिए हम लोग किसी चीज़ का एरिया निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो प्लेन फिगर बना रहता है उसको हम लोग बाउंड्री से ही निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ इसका 90 डिग्री और ये हो गया वर्टिसेस ए बी सी। अगर हम लोग इसका एरिया निकालने क्या करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करते हैं तो हम लोग का एरिया निकलता है। जो इसका बाउंडेड लेंथ है या फिर इसका सरफेस इनक्लोज्ड है उसी का से हम लोग ना फाइंड करते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए इसका यूनिट क्या होता है, द यूनिट्स ऑफ एरिया इज अ स्क्वायर यूनिट, ठीक है, अ स्क्वायर यूनिट। कहने का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि आप अगर लेंथ दे दिया सेंटीमीटर में तो आप लोग क्या लिखेगा, सेंटीमीटर, और मीटर में दे क्या है, मीटर लिखिए। इसको हम लोग पढ़ते हैं अ स्क्वायर सेंटीमीटर और इसको पढ़ते हैं अ स्क्वायर मीटर। पढ़ना सीख जाइए, इसको बोलते हैं स्क्वायर सेंटीमीटर और इसको बोलते हैं अ स्क्वायर मीटर। मीटर स्क्वायर नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं अ स्क्वायर सेंटीमीटर और इसको बोलते हैं अ स्क्वायर मीटर। लोगों ने पेरीमीटर और एरिया दोनों का डेफिनेशन देखे हैं जो प्लेन फिगर का होता है। अब जो हम लोग का अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का। तो आप लोग
मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।